Cell A1 to A5 contains values. Cell A1 to A5. A1 to A5. The values are 2, 3, string value, 4, and this is A5 is a blank cell. हाँ तो भी स्ट्रिंग ही है. फर्स्ट क्वेश्चन इक्वल टू सम A1 कॉलन A5 इक्वल टू मैक्स A1 कॉलन A5 max a1 colon a5 min a1 colon a5 min a1 colon a5 average A1 colon A5. Next, if function, if the value of A4 is greater than 5, value of A4 is greater than 5, A3 divided by 2 or A2 raised to power 2. Just solve the answers, nobody will speak. कलेक्टिव आंसर कोई नहीं देगा. नेक्स्ट काउंट इफ A1 कॉलन A5 सेमी कॉलन कंडीशन इज ग्रेटर देन टू. One more question. Average. Excuse me, ma'am. Yes, bachche. Okay, it's not. Abhi theek hai? Thanks a lot, ma'am. Next, average A1 colon A5. 5, 6. The values are 5 and 6. Solve it. Sarthak file de di. Why? Aapne kal kya bola tha? You are taking it so. नहीं लेना आपने इस चीज को सीरियसली. आपको बात समझ नहीं आ रही है. दिस इज ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स. व्हाट यू सेड मी यस्टरडे दैट आई विल ब्रिंग बोथ द फाइल्स टुमारो. नाउ डोंट एक्सपेक्ट प्रैक्टिकल मार्क्स. डन हो गया आपके सॉल्व. लिख नहीं रहे हो जल्दी से सॉल्व करो. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद यू ओनली. जिनको हो गया स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेल A1 टू A5 कंटेन्स 2, 3, 4, 5, and 6. These are the cells A1 to A5. The values are 2, 3, 4, 5, and 6. The expression is A1 divided by 2. वहाँ पे बच्चे प्रॉपर आ नहीं रहा. चलो पहले ये सॉल्व कर लो उसके बाद ये करते हैं. आई विल राइट हियर देन.
करें स्टार्ट, डन हो गए आपके, इधर आपके हो गए, यस अयान जल्दी करो बच्चे, मिलन डन, एवरेज तो न्यूमेरिक वैल्यूज पे कैलकुलेट होगी, तो आप उसको स्ट्रिंग कैसे लोगे, स्ट्रिंग के लिए तो होते ही सिर्फ ए फंक्शंस हैं। देयर कैन बी पॉसिबिलिटी, वो आप देखो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। हाँ जी, पहले मिनने वाले पे आ जाओ, मिन ए ए वन कॉलन ए फाइव, आप इसका बताओ ना मुझे, मिन ए ए वन कॉलन ए फाइव, मिन ए मीन्स यू हैव टू टेल द लीस्ट वैल्यू इंक्लूडिंग द लॉजिकल वैल्यूज एज वेल एज द टेक्स्ट वैल्यूज, सो फ्रॉम दिस जीरो किसकी वैल्यू है, आपके पास वैल्यू कौन सी है, टू थ्री मैंगो फोर एंड ब्लैंक सेल, मिनने में पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें कंसीडर क्या क्या होगा, कौन कौन से सेल्स कंसीडर होंगे मिनने के अंदर, मैंगो क्या है, क्या है मैंगो आंसर आएगा इसका, हाँ जी क्या आंसर आएगा, कल तो कराए हैं क्लास में, कल क्या कर रहे थे आप लैब में, स्पेशली मैंने कल आपको पूछा ना क्लास में उठा के, पूछा ना आपसे, बट यू सेड मुझे समझ आ रहा है, नाउ गिव द आंसर, टेक्स्ट वैल्यूज की वैल्यू क्या पास होती है, टेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू क्या पास होती है, जीरो, तो आपको पता नहीं चल रहा इसमें से छोटी वैल्यू कौन सी है, मिनिमम का मतलब क्या होता है, तो फिर मैंगो आएगा, क्या आएगा, लाउडर, सो द आंसर विल बी जीरो, तो फिर आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, यू आर नॉट श्योर बिकॉज आप गेस कर रहे हो, नेक्स्ट मीन ए वन कॉलन ए फाइव, Now what will be the answer? Min ka function hai, that means string value will be ignored, blank cell will be ignored, so we are left with 2, 3 and 4. So the answer will be 2. Clear hai? Correct? Max A. Yes, Milan. So you have to find out the maximum, but string value will be included, but it is zero. So we have to find out the largest value. The largest is 4. Sum A1 colon A5. आप कह रहे थे आपने sum का answer निकालना है, बताओ. हाँ जी, क्या answer आ रहा है? 9. 2 plus 3, 5. 5 plus 4, 9. Max A1 colon A5. Yes, Sarthak. So the answer will be 4, only taking the numeric values in context, this time हम 0 and consider नहीं कर रहे हैं. Now average A1 colon A5, what is the average? So the total is 9, 3 values are there, 9 divided by 3 is 3, the answer will be 3. Coming on to the first part, average A1 colon A5 semicolon 5 semicolon 6. तो तीन वैल्यूज आपकी ये 9 प्लस दिख ही नहीं रहा, सो 9 प्लस 9 प्लस 5 प्लस दैट इज इक्वल 20, किससे डिवाइड करेंगे, 3 एंट्रीज ये 2 एंट्रीज वो, so divided by 5 we will get the answer 4, clear, ye clear hai sabko, okay, if part
coming on to this condition, if A4 is greater than 5, A4 की value कितनी है? 4. 4 is greater than 5, condition false. False case में क्या चलेगा? A2 raised to power 2. The value of A2 is 3. 3 raised to power 2 means 3 threes are 9. So 9 will be a answer. Correct? चलिए. Count if A1 colon A5, तो यहाँ पे आपको count करना है, but according to a condition, the condition is where the value is greater than 2. So greater than 2, हमारे पास दो ही values आ रही हैं, so the answer is 2. Any doubt? अब clear है functions कैसे use करने हैं, function के output किस तरह से आएंगे? This thing is clear, everyone? Sure? Okay. सबने नोट कर लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, A1 टू A5 द वैल्यूज आर गिवन 2, 3, 4, 5 and 6. द एक्सप्रेशन इज A1 इंटू 2. सो अकॉर्डिंग टू द बेड मास A2 exponent 2 plus A3 exponent 2 plus A4 divided by 2 plus A5 minus 2. Solve it. सॉल्व करो इसको. हाँ जी, हाँ जी बच्चे बताओ. A1 की वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस 3 एक्सपोनेंट 2 प्लस 4 एक्सपोनेंट 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 माइनस 2, ये एक्सप्रेशन बना. तो 2 टूज आर 3, एक्सपोनेंट 2 इज 9, 4 एक्सपोनेंट 2 इज 16, रेस टू पार उतनी बार उस नंबर को मल्टीप्लाई. अगर मैं कह रही हूँ 3 एक्सपोनेंट 2, दैट मींस 3 को 2 बार ही मल्टीप्लाई करना है. इफ आई एम सेइंग 3 रेस टू पार 3, दैट विल बी 3 × 3 × 3, दैट इज 27. कितनी बार उसको मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर को, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस सेकंड नंबर. ओके, सो 4 एक्सपोनेंट 2, 4 फोर जा 16 प्लस 2.5 प्लस 4. Solve it now. That is 35.5. Solve next one. Solve the next question. The value of A1 7, A2 8, A3 9, A4 10. A1 divided by 3 plus A2 multiply 3 minus A3 exponent 3 plus A4 exponent 3. That will be 7 divided by 3 plus 8 × 3 minus 9 exponent 3 plus 10 exponent 3. So 7 divided by 3 is, it's not that, 2.33 plus 24 माइनस 9 को 3 बार ही मल्टीप्लाई करने हैं. 9 9 81 81 इनटू 9 इज 7.
729 plus 10 exponent 3, that is 1000. So calculate kar lo kitna aa raha hai. 300 kitna aa raha hai? Mere paas to answer yahan pe 297 kuch aa raha hai. पहले क्या हो गया 297.33. क्लियर? यस, एनी डाउट? हो गया आपका सॉल्व? खुद कैलकुलेशंस करिए. ओके, नेक्स्ट राइट डाउन द नेक्स्ट नंबर ऑफ सेल्स इन द रेंज. Number of cells in the range A1 colon B2. Number of cells in the range A1 colon B2 and D3 colon E4. Number of cells in the range A1 colon B2. हाँ जी, कितने cells हैं? 8. So ये 4 कैसे बन रहे हैं? A1, A2, B1, B2. तो number of cells are 4. Similarly, D3, E3, D4, E4. Right? Okay. Write down the cell reference for the range column C through F, column C through F and rows 3 through 5. What will be the range? C3 colon F5. समझ आया आपको? Next, what will be the cell address formed by the 8th row, 8th column, 2nd row, 5th column, 10th row, 12th column? Find out the cell addresses. Eighth column कौन सा होता है सार्थक? Eighth row, eighth column. H क्या cell address क्या बना? H 8. Second row, fifth column. आगे E लिख के थोड़ा छोड़ेंगे. It's E2. Tenth row and 12th column. NR है? L. यही आ रहा है? L ही आ रहा है. Clear? Okay, one more question. Tell the cell range formed by 7th row, 3rd column, span through 10th row, 9th column, 7th row, 3rd column. तो कितना आया? C7 colon. सो यहाँ पे सिंगल सेल एड्रेस निकाला और यहाँ पे हमने रेंज निकाली. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट. इक्वल टू प्रोडक्ट
equal to product A1 colon A3, the values are, what will be the answer in the cell A4? So you have to multiply all the numbers. 3 2s are 6, 6 1s are 6. So answer is 6. Next, equal to sum A1 colon A3. It's simple here. 3 plus 2, 5, 5 plus 1 is 6. Values वही same. Okay. Next, write down the questions. Write the formula to find average of cells. Write a formula to find average of cells E3, E4, E5, E6. Firstly, you have to find average. Find the maximum value from E3 to E6. Find the minimum value from E3 to E6. Count the number of values E3 to E6. Count the number of values from the range E3 to E6 where the values are greater than 5. Where the values are greater than 5. So tell the formulas for the same. Formulas or function for the same. Write a formula to find average. Write a formula to find maximum. Write a formula to find minimum. Formula to find the number of entries. Count the total number of entries where the value is greater than 5. हाँ, आप जैसी मर्जी बताओ, आपके विषय. Done. First one. E3 colon E6. Okay, अगर आप फॉर्मूला से कर रहे हैं तो E3 plus E4 plus E5 plus E6 in a bracket divided by 4. तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लो. Next, to find the maximum equal to max E3 colon E6. Next, equal to min E3 colon E6. Next, equal to count E3 colon E6. Next वाला बताओ. Equal to count if range बनाओगे यहाँ पे E3 colon E6 semicolon greater than 5. Clear? So how to frame count if statements? ये सबको clear है? Okay, one more question. Count the total number of employees whose salary is greater than $25,000. The salary is given in the range. Salary is given in the range E2 colon E8. The salary is given in the range E2 colon E8. Count the total number of employees who are securing above 25,000 salary. Equal to, Anji, kya aega?
डबल कोट्स में, ठीक है, ग्रेटर देन 25,000, क्लियर? ओके, गिव द ग्रेड ए, गिव द ग्रेड A, if the student is securing marks greater than 75, otherwise give grade B. Otherwise give grade B. Write a formula to assign a grade to a student. If the student is securing the marks greater than 75, the grade is A, otherwise the grade is B. Otherwise, the grade is B. Marks le lo in the cell, koi bhi le lo, E1. Yeah. 10 students ka le lo, E1 se E10. रेंज तो वैसे चाहिए नहीं है. मार्क्स आर गिवन इन दी सेल ई, ठीक है, ई वाले सेल में पड़े हैं, तो क्या लगेगा? इफ E1 इज ग्रेटर देन, अगर तो मार्क्स 75 से ज्यादा हैं, तो ग्रेड ए, अदरवाइज ग्रेड बी. क्लियर? सिंपल इफ एल्स लगना था. इसमें रेंज चाहिए नहीं, क्योंकि हम काउंट नहीं लगा रहे. रेंज हम तभी देते हैं जब हमें काउंट इफ यूज करना. सिंपल इफ में सिंपल एक सेल का एड्रेस देना, ओके? ये चीज ध्यान रखनी है. जब भी इफ लगा रहे हो ओनली सिंगल सेल, जब भी काउंट इफ लगा रहे हैं तो रेंज. एनी डाउट? Cell G2 contains H2 plus I3. Cell G2 contains H2 plus I3. Find the content in the cell I2. In the cell I2. In the cell J3. Same question again, okay? हाँ जी बच्चे, क्या आएगा यहाँ पे I2 में? सो G से कितने में जा रहा है? H I, मतलब 2 आगे गया, H और I, रो सेम रह रही है, तो यहाँ पे H I J, सो J2 प्लस I J K, सो K3, राइट? अब यहाँ पे रो भी चेंज हो रहा है, कॉलम भी चेंज हो रहा है, सो G से हम आ रहे हैं J पे, दैट मीन्स H I J, तो यहाँ पे I J K, 2 से 3, सो 2 से 3 I J K L, L 4, क्लियर है? अगर डॉलर साइन होता तो कुछ भी चेंज नहीं होना था. अगर सेम क्वेश्चन मैं J3 में कह रही हूँ और यहाँ पे मैंने दोनों में डॉलर दे दिया, तो डॉलर है $2 प्लस L4, क्लियर? पूछो. ये वाला, हाँ ये तो किया ही है. एनी डाउट? सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी प्रैक्टिसिंग द फुल फ्लेज वर्कशीट की फॉर्मूलास कैसे लगाने, ठीक है? अभी जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बन रहे थे, शॉर्ट क्वेश्चंस, आई होप दैट इज क्लियर. नंबर ऑफ सेल्स कैसे निकालनी है, नेम दी सेल्स इन अ पर्टिकुलर रेंज,
सेल एड्रेस को कॉपी करके कैसे चेंज हो रहा है, आपको कोई क्वेरी दी गई है उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू फ्रेम अ फंक्शंस, फंक्शंस दिए हुए हैं यू हैव टू टेल द आउटपुट, काउंट इफ का फंक्शन कैसे बनेगा, इफ का कैसे बनेगा, यही सेम क्वेश्चन अब आपको फुल फ्लेज एक्टिविटी में प्रैक्टिस करनी है. यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो हम पूछ रहे हैं ना, अगर यहाँ पे होगा भी तो मतलब फिर आप डॉलर जी का कंटेंट ही पूछ रहे हैं, ठीक है, वो तो फिर एज इट इज ही आ जाएगा, राइट right?